Hello everyone. So I'm Tapojyoti Bhoomi, currently pursuing second year MBBS from IIMS, and my rank was 680 789 in NEET 2021 with an score of 681 out of 720. Okay, so many of you guys were asking that should I take a drop or not for the NEET 2024. So नीट 2023 इज़ ओवर एंड अब तक तो सब लोग अपने अपने एक्सपेक्टेड स्कोर पता चल गया होगा, क्योंकि आंसर की तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग मतलब हैव मेक द आंसर की एंड यू होप हैव मैस्ड इट। तो बहुत लोग डर रहे होंगे कि आंसर से मैच करने से, तो उन लोगों को पता है कि उन लोग का पेपर अच्छा नहीं गया तभी डर रहे हो मोस्टली। और अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया है तो इट्स वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। मतलब होप कि बहुत जल्दी तुम मेडिकल फील्ड में इंक्लूड हो जाओ। और जिन लोग का भी अच्छा नहीं गया है, दिस वीडियो इज़ मोस्टली फॉर देम। सो शुड आई टेक ए ड्रॉप फॉर नीट 2024 और नॉट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट टेकिंग ड्रॉप डिपेंड्स ऑन यू। मतलब तुम्हारा अगर खुद के ऊपर भरोसा है दैट यू कैन डू इट, देन ओनली टेक ड्रॉप। अदरवाइज डोंट वेस्ट अनदर ईयर, बिकॉज मतलब यूजलेसली वेस्ट मत करना। अगर तुम्हें पता है कि ड्रॉप करना है, तुम्हारा भरोसा है उसके ऊपर, देन ओनली टेक ड्रॉप। तो अभी आंसर की मैथ्स करने के बाद जिन लोग का बॉर्डर लाइन में मार्क्स आ रहा है, जो उन लोग क्या करना है कि अभी मतलब उन लोग नीट का रिजल्ट तक वेट करना है, ऐसा नहीं कि बट हाँ थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहना। अगर तुम्हारा हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होगा तो बाद में रिग्रेट होगा कि ये टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए जिन लोगों का बॉर्डर लाइन में मार्क्स आ रहा है, उन लोग को मैं बोलूँगा कि ड्रॉप ले लो एक साल में। तुम वो जो बॉर्डर लाइन स्कोर था, यू विल क्रॉस द कट ऑफ एंड नेक्स्ट ईयर यू विल गेट सिलेक्टेड। तो इसलिए जिन लोग का बॉर्डर लाइन में आ रहा है, उन लोग क्या करना, वेट फॉर द रिजल्ट। मतलब वेट टिल रिजल्ट कि कोई डिसीजन लेने से पहले, बट कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। मतलब थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन करते रहना, ताकि जो बॉर्डर लाइन था वो मतलब ताकि नेक्स्ट ईयर अगर तुम दोगे बाई चांस अगर तुम्हारा कट ऑफ से कम हो गया, क्योंकि कट ऑफ माइट इंक्रीज दिस ईयर बिकॉज द पेपर वॉज रिलेटिवली ईजी कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो इसलिए अगर कट ऑफ हायर हो गया तो तुम्हारा अगर सिलेक्शन नहीं हो किसी वजह से, देन तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि ये टाइम तुमने वेस्ट कर दिया। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ओके? और अगर हो जाएगा तो इट्स वेल एंड गुड। और अगर जिन लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत कम है, मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ से भी बहुत कम है जिन लोग का मार्क्स, तो उन लोग का क्या करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो बोलूँगा कि नीट क्यों क्रैक करना चाहते हो, मीन्स यू शुड हैव अ रीज़न ना व्हाई यू वांट टू क्रैक नीट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट इफ दैट रीज़न इज़ मनी, मतलब तुम अगर पैसों के लिए नीट क्रैक करना चाहते हो, यू विल बिकम अ डॉक्टर, यू विल बिकम रिच, देन इफ़ यू वॉन्ट ओनली मनी देन आई विल से दैट बहुत सारा ऐसे प्रोफेशंस है अदर देन MBBS डॉक्टर्स लाइक दैट। तो बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें तुम डॉक्टर से भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हो इफ़ यू वर्क हार्ड। मतलब बिजनेस में तुम देख सकते हो आजकल बहुत सारा फ्री लेंसिंग, वीडियो एडिटिंग, मतलब बहुत सारा क्रिएटर्स जो है कितना कमा रहा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स वो बहुत ज़्यादा भी है। तो इफ़ यू वॉन्ट ओनली मनी यू कैन फॉलो योर पैशन। तुम्हारा अगर किसी और फील्ड में पैशन है तो ज़ोर ज़बरदस्ती नीट मतलब करने का कोई ज़रूरत नहीं। इफ़ यू हैव पैशन तो वो फील्ड में भी तुम हार्डवर्क करके बहुत ज़्यादा शाइन कर सकते हो, हायर पोजिशन में जा सकते हो एंड यू विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी। तो दैट्स वाई एम सेइंग कि इफ़ योर टारगेट इज़ ओनली मनी देन बेटर यू चूज़ योर पैशन एंड वर्क हार्ड ऑन इट, तो तुम बहुत अच्छा पोजिशन में जाओगे, बहुत सक्सेसफुल होगे फ्यूचर में। और अगर तुम्हारा फैमिली प्रेशर की वजह से तुम नीट क्रैक करना चाह रहे हो, तो फैमिली प्रेशर इज़ अ थिंग मीन्स आई डोंट पर्सनली सपोर्ट, बिकॉज स्टूडेंट शुड फॉलो हिज पैशन, फैमिली शुड नॉट डिसाइड ए स्टूडेंट लाइफ ना, तुम क्या करोगे फ्यूचर में। हाँ ये बात है कि तुम मतलब किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो, ये बात सही है, बट कौन सा फील्ड होगा वो योर फैमिली शुड नॉट डिसाइड। तो अपना फैमिली को जा के समझाओ कि आई शुड चूज़ माई फ्यूचर फील्ड, मतलब मैं किस फील्ड में जाऊँगा नहीं जाऊँगा वो कम्प्लीटली मेरा डिसीजन है। एंड फैमिली को दिखा दो कि तुम अगर तुम्हारा पैशन को फॉलो करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। तो इफ़ योर रीज़न इज़ फैमिली प्रेशर देन बेटर यू डो नॉट अपियर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज
मतलब अगर तुम कर भी लोगे फैमिली प्रेशर के वजह से, तो बाद में तुम्हारा जो लाइफ होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा। यू विल नॉट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ बीइंग ए डॉक्टर, क्योंकि वो तो तुम्हारा कभी ड्रीम था ही नहीं। फैमिली की वजह से किए हो तो तुम्हारा लाइफ मीन्स बहुत डिफिकल्टी फेस करेगा। यू विल नॉट एंजॉय ट्रीटिंग पेशेंट, वो तो क्योंकि तो वो तुम्हारा पैशन नहीं था। तो इसलिए जो तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो करो और उसमें फैमिली को सक्सेसफुल होकर दिखा दो। यू विल फेस ए लिटिल टफ टाइम बिकॉज फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ करना तो थोड़ा बहुत टफ होता है, बट मेक हार्ड वर्क ऑन योर पैशन एंड यू विल बिकम हायर, मीन्स बहुत ऊपर जाओगे। और आप बताएं, द इफ ये इफ बिकम ए डॉक्टर इज योर ट्रू ड्रीम, मतलब तुम्हारा बचपन से सपना था, या फिर बचपन से बाद में भी अगर सपना हुआ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लोगों की भलाई करूंगा, लोगों को ट्रीट करूंगा, बिकॉज इट्स द मोस्ट मीन्स रिस्पेक्टेड प्रोफेशन आई कैन से। बहुत सारे लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। तो इसलिए इफ़ यू वॉन्ट टू डू एज ए योर ट्रू ड्रीम, यू वॉन्ट टू ट्रीट पेशेंट, हेल्प द पेशेंट, तो इस देन यू आई विल से दैट दिस शुड बी योर ओरिजिनल, मीन्स दिस शुड बी द एब्सोल्यूट द एब्सोल्यूट ड्रीम फॉर एनी नीट कैंडिडेट्स, मीन्स नीट एस्पिरेंट। मतलब उन लोग का नीट अपेयर होने से पहले ये तो पहले क्लियर होने जाना चाहिए था कि क्यों मैं नीट दे रहा हूँ। मतलब एज ए रीजनलेसली नीट में अपेयर करना नहीं चाहिए, और उसके पीछे टाइम फालतू को वेस्ट नहीं करना ही बेहतर होगा। किसी और फील्ड में खुद का पैशन में करोगे तो बेहतर होगा। और अगर तुम्हारा ट्रू ड्रीम ही था कि मैं डॉक्टर होकर लोगों की भलाई करूँगा, ट्रीट करूँगा, देन दिस फील्ड इज़ श्योरली फॉर यू टू बिकम ए आइडियल एंड गुड डॉक्टर। यू विल बिकम ए वेरी गुड डॉक्टर। तो इन दैट केस एब्सोल्युटली अपीयर फॉर नीट एंड गो फॉर इट। मतलब तब तुम नीट जरूर में देना है, और मतलब उसके लिए उसके पीछे ज़रूर अपना टाइम डिवोट करना, अपना सब कुछ डिवोट कर देना, ताकि तुम तुम्हारा ड्रीम को अपीयर कर, मतलब जी पाओ अपना ड्रीम को। तो अगर मतलब अगर बात करो कि बेसिकली सिलेक्शन ना होने का क्या कारण हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपर लेवल और प्रिपरेशन लेवल। तो अगर पेपर लेवल की बात करूँ तो नीट 2023 वाज क्वाइट ए इजी पेपर एज़ कम्पेयर टू नीट 2022। इनफैक्ट एनटीए का सारा पेपर्स का ही अगर बात करूँ तो वो बहुत इजी आता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी पेपर बहुत डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट नीट 2023 वाज क्वाइट इजी। मैंने जो स्टूडेंट्स से बात किया था उनमें से क्या बताया कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल द थ्री वाज कम्प्लीटली फॉर्म एनसीईआरटी। बस केमिस्ट्री थोड़ा बहुत लिटिल टफ डिफिकल्ट था कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट बायोलॉजी और फिजिक्स बहुत ही आसान था और लास्ट ईयर से भी बहुत आसान था। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है। तो पेपर लेवल की बात करूँ तो एनटीए जब से चालू किया है नीट, तो तब से नीट का पेपर बहुत आसान आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सो पेपर का डिफिकल्टी के वजह से तुम्हारा सिलेक्शन मतलब रुक नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत इससे आसान पेपर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद हो नहीं पाएगा। तो इसलिए पेपर का डिफिकल्टी शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। जैसे कि 2021 में फिजिक्स टफ था, 2022 में बायोलॉजी टफ था, और 2023 में लिटिल बिट केमिस्ट्री टफ है। तो मतलब अगर ट्रेंड देखोगे तो किसी ना किसी ईयर में कोई एक सब्जेक्ट एनसीईआरटी से ही आता है, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए दो ही मतलब वो जो टफ भी होता है बट स्टिल एनसीईआरटी तरह से है। इसलिए जो नीट 2024 का पेपर होगा वो भी सेम टाइप का ही होगा, मतलब एनसीईआरटी से ही होगा। हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा टफ आ जाए, वो तो श्योर नहीं बोल सकते कौन सा सब्जेक्ट, बट हो सकता है वैसा। बट टफ भी आ गया तब भी एनसीईआरटी से ही आ गया। तो एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ोगे तुम्हारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनसीईआरटी का अच्छा रहेगा, तो नो बॉडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग नीट। सो पेपर लेवल शुड नॉट बी द इनहिबिटिंग फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन इन नीट 2023। सो एनी सो अब आता है और एक क्या फैक्टर हो सकता है, दैट योर प्रिपरेशन लेवल। नाउ कमिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल, तो योर सिलेक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दी तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा था नीट में, उसके ऊपर ही मोस्टली तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो अभी देखोगे तुम्हारा जो प्रिपरेशन था उसमें क्या क्या लैग हुआ था, क्या वॉइड रह गया था, तुम्हें कहाँ कमी रह गई था। तो फाइंड आउट दिस लैग इन योर प्रिपरेशन लेवल। इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंशियल कंडीशन, मतलब अदर देन योर स्टडी किसी वजह से हो गया, जैसे कि कोई हेल्थ इशू हो सकता है। हो सकता है कि नीट के पहले तुम फीवर हो गए, कोई मतलब हेल्थ इशू हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कोई अगर एक्सीडेंटल इशू हो सकता है, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, डिप्रेशन। सो देयर कैन बी मेनी अदर कॉज। सो
इफ दिस आर द कॉज लाइक दिस सर्कमस्टेंशियल लिवे, और तुम्हें अगर पता है कि ये जो सर्कमस्टेंस था इसको अगर हटा दूँ तो आई कैन एब्सोल्युटली क्रैक नहीं, देन एब्सोल्युटली गो फॉर इट. मतलब हो सकता है लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, पर्सनल फैमिली मैटर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो वो अगर सॉल्व होने के बाद तुम पता है कि तुम इसी वजह से तुम्हारा नहीं हो पाया और ये अगर हट जाएगा तो आई कैन क्रैक इट, तो देन एब्सोल्युटली गो फॉर नीट 2024 नेक्स्ट ईयर. सो आई विल एब्सोल्युटली मीन्स से यू टू गैप ईयर. और अगर तुम्हें पता है कि ये मेस्ड अप योर स्टडी, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, अच्छे से सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हो टाइम में, जो वीक जोन है वो रिकवर नहीं कर पाते हो, एडिक्वेट टेस्ट नहीं दिया, रिविजन नहीं कर पाए, तो ये सब जो फैक्टर्स है मैं बार बार बोलता था कि अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो पॉइंट्स है इसको अच्छे से ध्यान रखना. सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होगा, टेस्ट देना होगा, बार बार रिविजन करना होगा, इतना सारा सिलेबस है तभी तो याद रख पाओगे ना, जब अच्छे से रिविजन करोगे. तो अगर ये सब नहीं किया तो तुम्हारा रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा, और तुम्हें अगर पता है कि नेक्स्ट ईयर तुम इसको ओवरकम पढ़ करो, मतलब पहले तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि रीज़न क्या था, तो अगर सरकमस्टेंशियल रीज़न है तो उसको तो देन गो फॉर इट, अगर ये जो रीज़न है तो तुम अगर इसको ओवरकम कर पाओगे, तुम्हारा अगर कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर मैं ये गलती नहीं करूँगा, यू प्रॉमिस मी, देन ओनली गो फॉर इट. मतलब अगर फिर से सेम चीज़ करोगे, सेम रिपीट करोगे, एक से एक साल फिर से नहीं पढ़ोगे तो फोर तो सेम ही रहेगा ना, फालतू का एक साल वेस्ट हो जाएगा. तो इसलिए अगर तुम अगर जो कमी रह गया तुम्हारा प्रिपरेशन में वो अगर दूर कर पाओगे तभी नेक्स्ट ईयर अपीयर करना. तो अगर टाइप ऑफ स्टूडेंट देखो तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मिली, तो दोज हु आर अपीयरिंग फॉर दोज दिस वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आई विल से एब्सोल्युटली गो फॉर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज एक अटैम्प्ट मतलब कुछ नहीं है, एक अटैम्प्ट जस्ट फॉर मोस्टली एक्सपीरियंस होता है. मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाया था, बट मतलब ऐसा नहीं कि सबका ये हो सकता है, कोई बोर्ड में ज़्यादा फोकस था उन लोग का नहीं हो सकता, या फिर कौन किसी का कोई इशू आ गया था, कोई सरकमस्टेंशियल रीज़न, तो फर्स्ट अटैम्प्ट इज़ नॉट एनी थिंग. मतलब तुम अगर देखोगे कि तो आगे भी तुम्हारा लाइफ में बहुत सारा ईयर का ड्रॉप लैग आ सकता है, तो 1 ईयर इज़ नॉट एनी थिंग फॉर योर ड्रीम. मतलब एक साल अगर लेट भी हो जाए तब भी तुम्हारा ड्रीम के लिए इट्स नॉट एनी थिंग. तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू टेक गिव अनदर चांस नेक्स्ट ईयर, यू शुड अटेम्प्ट इफ यू देयर द फास्ट टाइम. और ये जो ड्रॉप ईयर होगा इसमें मतलब ऐसा नहीं कि किसी कोर्स में एडमिशन लेके फिर साथ साथ मत करो, इसको डेडिकेटली करो. सो एवॉइड पार्शियल ड्रॉप इन दिस ईयर, मीन्स इफ यू हैव द फर्स्ट टाइम देन एवॉइड पार्शियल ड्रॉप, डेडिकेटेडली एक ईयर फोकस करो, फिर जो होगा देखा जाएगा. ओके सो इफ यू आर द फर्स्ट अटैम्प्ट देन फॉलो दिस, एंड इफ यू आर दिस वॉज योर सेकेंड अटैम्प्ट, सो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो मैंने रीजन्स बोला था फेल होने का, तो वो अगर तुम फाइंड आउट करके तुम्हें पता है कि नेक्स्ट ईयर तुम ओवरकम करके फिर से अपेयर करोगे तुम्हारा हो जाएगा. मीन्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस, इफ़ यू आर श्योर दैट यू कैन ओवरकम इट देन गो फॉर इट. तुम्हें पता है कि तुम अगर कर पाओगे ओवरकम देन एब्सोल्युटली नेक्स्ट ईयर और एक अटैम्प्ट ले लो, कोई बात नहीं, और अच्छे से प्रिपेयर करना. बट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क देन यू कैन टेक पार्शियल ड्रॉप. मतलब हो तुम्हें डेडिकेटली भी कर सकते हो, अगर तुम्हें पूरा मतलब तुम्हें पता है कि तुम कर पाओगे देन गो फॉर इट डेडिकेटली, और तुम्हें अगर थोड़ा लगता है कि मतलब फिर से अगर नहीं होगा तुम्हें थोड़ा कॉन्फ्यूजन है, देन बेटर यू टेक ए पार्शियल रिस्क. ओके पार्शियल ड्रॉप. ओके तो फॉर दोज हु दिस वॉज द सेकेंड अटैम्प्ट गो, दिस वॉज माई सजेशन. और जिसके लिए थर्ड या उससे भी ज़्यादा अटैम्प्ट हो गया तो उनके लिए ये बोलूँगा कि MBBS इज़ नॉट द ओनली थिंग यू कैन. तो जिनके लिए थर्ड अटैम्प्ट था तो उनको मैं बोलूँगा कि MBBS इज़ नॉट द ओनली थिंग यू हैव मेन, यू कैन मतलब बिकम सक्सेसफुल इन मेनी अदर फील्ड इन फ्यूचर ऑल्सो. तो उन लोग के लिए मैं बोलूँगा कि बेटर यू ज्वाइन सम अदर कोर्सेस अदर देन MBBS, और उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना, अपना पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, कि अगर अदर देन स्टडी तुम्हें किसी और फील्ड में पैशन है तो उनमें भी फॉलो करके तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो. तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि जिन लोग का ये थर्ड से ज़्यादा अटैम्प्ट था तो उन लोग के लिए बेटर यू फॉलो एनी अदर कोर्सेज और फॉलो योर पैशन. ओके सो यू कैन हैव ए गुड कैरियर, सैलरी एंड गुड पोजिशन इफ एन इवन इव यू वर्क हार्ड इन एनी अदर फील्ड. ओके तो और अगर स्टिल मतलब दो अटैम्प्ट, इफ दिस वॉज योर थर्ड और मोर अटैम्प्ट, उसके बाद भी तुम अगर देना चाहते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तो बेटर आई विल से कि टेक ए पार्शियल ड्रॉप. मतलब किसी कोर्स में ज्वाइन होके फिर ट्राई करते रहना साइड में, ऐसा नहीं कि फिर से कंप्लीट ड्रॉप मत देना, क्योंकि और एक साल अगर वेस्ट हो जाएगा तो मीन्स
तीन चार साल के मतलब गैप हो जाएगा, तो इट्स नॉट गुड ना। तो इसलिए टेक ए पार्शियल ड्रॉप और उसके साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो उस, अगर कॉन्फिडेंस है तो, और अगर नहीं है तो बेटर आई विल से कि गो फॉर सम अदर कोर्सेस। ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2024, वी आर गोइंग टू अपीयर इन नीट 2024, सो आई विल मेक मोर वीडियोज रिगार्डिंग दिस इन दिस चैनल ओनली। सो डू फॉलो सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो थैंक यू एवरी वन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, नॉट ओनली नीट बट ऑल्सो फ्यूचर लाइफ। सो थैंक यू।